दोस्तों सुबह के बज गए हैं 5:56 और 5:56 हुई है तो देख सकते हैं उजाला पूरी तरह से हो चुका है। तो हम घर की तरफ जाते हैं अभी। आज का झाड़ो पड़ो भाई। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं पिंटू और भाई साहब के बज चुके हैं करीबन 6:30 और मैंने रेडी कर लिए बाइक पे सब्जी वगैरह रख के। अब सिर्फ देरी है तो सिर्फ चाय पीने की, तो चाय पीते हैं जल्दी से। यहाँ बन रही है चाय तो आज ठीक है। करो कर लो यार, मोबाइल कौन सा चला रहे हो? मेरे दर्द है, सही है, प्रो ना है। जब क्या जाए फिर यूट्यूब पे डालूंगा। अब तो मिर्च दे दूंगा, यहीं में टमाटर दे दूंगा भाई साहब। मैं बेच कर रेडी हो गया, करीबन मैं घर पे आ गया था 9:00। उसके बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो मैं सो नहीं पाया। और भाई साहब मैं बता नहीं सकता, अभी मैं खाट पे हूँ, आराम कर रहा हूँ। दोपहर ही बज रहे, दोपहर के भाई साहब 2:00 बज रहे और यहाँ पे जो बच्चे हैं ना भाई साहब, इतनी गुस्सा आ रही है कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। और नींद आ रही है और लाइट भी नहीं आ रही है, पंखा कूलर बंद है। तो देखते हैं, अभी 2:26 हो रही है तो मैं घर से निकलूँगा करीबन 5:30। और भाई साहब धूप तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हद से ज़्यादा धूप पड़ रही है और लाइट आ नहीं रही है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको मालूम होगा लाइट नहीं आती उस समय गर्मियों में, और आप एक कमरे में बंद हो तो कैसा फील होता है आप ही बता दो। तो मिलते हैं शाम को आपसे। तो दोस्तों फाइनली मतवला, मैं सो तो नहीं पाया यार, पूरी दोपहर ही ऐसे ही भटकता रहा क्योंकि लाइट नहीं आई। दूसरे नंबर नींद भी नहीं आई, बच्चे ज़्यादा उदम मचा रहे थे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:10, मैं घर से आ गया हूँ, निकल के रेडी हो गया हूँ। बाइक मैंने मौसी के घर के सामने सेट खड़ी कर दी है। तो कोमल जी एक काम करेंगे, मैं गणेश से भूल गया, वहाँ के ऊपर रखिए बुनाए वो सामने सेट है फ्रिज के बगल मलवारी ऊपरी ऊपर रखिए जा लिया। तो भाई साहब आपने देखा ही होगा